एक्स्ट्रा चार्ज भी पे कर देते हैं। देखते हैं यहाँ पे सुन भाई साहब क्या ही यार, क्या अच्छे से इन्होंने कार्स लगा दिया है, दो कॉम्बिनेशन में थार यहाँ पे। हे गाइस यार कैसे हो, आखिर करने वीडियो में चैनल को सबसे पहले और शेयर करना। तो गाइस यार आज की वीडियो में हम खोलने वाले हैं एक अपना लग्जरी शोरूम ऑफ थार का। तो गाइस मैंने अपने पूरे ड्रेस व्रेस सबको चेंज कर लिया है और मैं अपनी लैम्बोर्गिनी से सीधा चलता हूँ शोरूम पे। तो गाइस यार मैं अपनी लैम्बोर्गिनी में बैठ चुका हूँ, बट अभी मैंने अपने कुछ बहुत थोड़े बहुत पैसे भी ले लिए हैं जिससे कि मैं एक अच्छा सा लग्जरी शोरूम बाय कर सकूँ जिसमें कि अच्छी अच्छी कार रखूँ। तो मेन सिटी में चलता हूँ, यहाँ पर तो अच्छा शोरूम मिलेगा नहीं, जो यहाँ पे रखा है वह ब्लास्ट ब्लूज सब कुछ हो सकता है, इसलिए मैं मेन सिटी में जा रहा हूँ। बिकॉज यहाँ पे पुलिस के भी बहुत ज़्यादा लफड़े होते हैं, इसलिए सीधा मेन सिटी में चलते हैं। बिकॉज यहाँ पे कुछ अच्छे से शोरूम तो मिले नहीं गए, मिलेंगे तो मिल भी जाएंगे बट इतने अच्छे नहीं मिलेंगे, मेन सिटी में कुछ ज़्यादा कस्टमर्स भी आएंगे। तो फाइनली यार मैं अपने शोरूम में पहुँच चुका हूँ। यार आप खुद ही देख लो कितना अच्छा है, और इसकी बिल्डिंग की हाइट देखो, बट ये हमें बाहर से मिला है, अंदर का कुछ नहीं मिला बिकॉज अंदर में कुछ और वर्क होता है जो कि हमें नहीं पता, उससे हमें मतलब भी नहीं है। तो गाइज यार शोरूम दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और लुक वाइज भी बहुत अच्छा है, तो उसकी डील डन करते हैं और मनी ट्रांसफ़र करते हैं और सीधा चलते हैं कार मार्केट, बिकॉज शोरूम तो खुल गया है, उसके लिए कार्स तो चाहिए। तो देन इसका बस अच्छा है दिखने में अंदर से भी, तो देन अब इसकी सीधा फाइनल करते हैं इसकी डील। सो फाइनली गाइज यार मैंने अपने शोरूम की पेमेंट तो डन कर दी है, बट अब हमें और कुछ पैसे चाहिए जिससे कि हम, तो मेरे पास पैसे तो हैं, तो कार मार्केट के लिए मुझे सीधा एयरपोर्ट के कॉर्नर वाले साइड पे जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे कार मार्केट तो है, बट वहाँ पे कार्स मैंने थोड़ी बहुत देखी थी, बट वहाँ पे जाके चेक करते हैं क्या सीन है। तो मिलते हैं सीधा कार मार्केट। सो फाइनली गाइज वी आर एट कार मार्केट। तो गाइज हम कार मार्केट में पहुँच चुके हैं, देन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग्जरी कार्स हैं। तो यार इनसे बात हो चुकी है, इन्होंने कहा है कि आप जितने पीस लेना चाहते हैं हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अब इनमें से कुछ कार्स फाइनल करते हैं, देन ये ऑडी फाइनल कर लेता हूँ और एक रेंज रोवर, देन वहाँ पे थार खड़ी है, देन ये वाली लैम्बोर्गिनी, देन यहाँ पे सब बकवास कार्स मुझे लग रही है सस्ती सस्ती सी, इसलिए कुछ महंगी महंगी सी कर ली है हमने। सो गाइज यार मैंने अपनी फुल डील डन कर ली है, अब जो उनसे बात करनी थी, और मैंने उन्हें पैसे भी कुछ ज़्यादा दे दिए हैं, और मैंने उन्हें कहा है कि शोरूम पे कार डिलीवर कर दे, बिकॉज मेरे पास ना ही कोई बड़ा ट्रेलर है ना ही ट्रक है। तो देन उन्होंने कहा है कि हम डिलीवरी के साथ साथ आपकी कार्स को मतलब अच्छे से लगा भी देंगे, तो मैंने उसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे कर देते हैं। देखते हैं यहाँ पे सुन भाई साहब क्या ही यार, क्या अच्छे से इन्होंने कार्स लगा दिया है, दो कॉम्बिनेशन में थार यहाँ पे, तीन लैम्बोर्गिनी, तीन ऑडी, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। बट आप इनसे खोलने के बाद ही पता चलेगा क्या सेल है हमारी लिए। देन यहाँ पे मैंने रोल्स रॉयस रेंज रोवर मंगाई थी, रोल्स रॉयस इन्होंने डिलीवर कर दी, क्या बंदे हैं। देन यहाँ पे फॉर्चूनर 1, 2, 3 है, देन बैक साइड में कुछ उन्होंने कार लगाई कि नहीं लगाई, बैक साइड में कुछ नहीं कार लगाए। हाँ यहाँ पे रिपेयर होने के लिए कार्स आएगी, बट आई होप अगर आपको अगला पार्ट देखना है तो जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना यार, अगले पार्ट में हम अपनी कार्स को सेल करेंगे, इसलिए जाएं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके। बाय गाइस।